The color code for a resistor of resistance 3.5K. Sorry. So this is 3.5 kilo ohm with 5% tolerance level. तो आपको पता करना है कि अगर आपके हाथ में 3.5 किलो ओम का रेजिस्टर दिया जाए, आपको पता करना है कि आप उसके कलर कोड क्या देंगे, रेजिस्टर के ऊपर कौन से कलर मेंशन करेंगे। पहला काम कलर लिख लो। कलर कोड लिखने के बाद एक नंबर्स कैसे लिखना, मल्टीप्लायर कैसे ऐड करना, और तो ये प्रोसेस काफी आसान हो सकता है अगर हम थोड़ा सा ध्यान दे दो। आगे आंसर अनुषा लास्ट बेटे आप कलर कोड बताओ, खड़े हो जाओ जी, कलर कोड बताओ क्या क्या लिखो यहां पर। पहले आप सिर्फ हिंट्स दे दो मुझे पूरा शॉर्ट फॉर्म। उसके बाद हाँ ठीक है मिसबा, गर्ल्स बॉयज में से ख्वाजा खड़े रहो, रोमान खड़े रहो जी, इसके आगे क्या लिखो बोलो जल्दी। हाँ बोलो रोमान, ख्वाजा खड़े रहो बेटे जल्दी, इसके आगे खाजा, हाँ बोल इसके आगे क्या लिखना जी। नहीं डब्ल्यू नहीं है, बोलो हाफिज साहब कलर कोड क्या है। ठीक है आप खड़े हो जाओ ना, पहला कौन सा है मैं विबियर लिख लेता हूं, ये है वायलेट, ये है ब्लू, ये है ग्रीन, ये है येलो, ये है ऑरेंज, ये है रेड, ये हाँ हाँ ठीक है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 नहीं है, बस बैठ जाओ, बैठ जाइए प्लीज, थैंक यू। हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, टॉलरेंस लेवल कितना है 5%, 5% मतलब लास्ट में कलर आना चाहिए गोल्ड, तो दो ऑप्शन करेक्ट होंगे ऑप्शन 1 या ऑप्शन 4, इन दोनों में से एक सही होगा। एक बात जहन के अंदर रखें, हम इस कलर कोड से कभी भी डेसिमल पॉइंट वाले नंबर ऑप्टेन नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते, 3.5 कर ही नहीं सकते। क्या कर सकते हैं, 3.5 किलो ओम को हम ऑप्टेन नहीं कर सकते, 3.5 किलो ओम प्लस माइनस 5%, तो 3.5 को अगर मैं 35 लिख लूं तो कितना लिखना पड़ेगा, 10 पावर माइनस 1 और यहां शायद किलो है, और किलो को क्या लिख लेंगे 10 पावर प्लस 3, अब ये क्या हो गया ओम और साथ में आ गया प्लस माइनस। आपको क्या क्या याद रखना है, एक तो कलर कोड से कभी भी आप रेजिस्टेंस ओम के अंदर ही कैलकुलेट कर पाएंगे, किलो ओम मिली ओम सेंटी ओम मेगा ओम में कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, पहली बात ये याद रखना है। क्या याद रखना है, कलर कोड से आपको जो वैल्यू मिलेगी कहीं मिलेंगी ओहम में मिलेंगी, अगर कोई और यूनिट में है तो आप उसको कन्वर्ट करेंगे किस में ओहम में, जैसे यहाँ कैमे दिया हुआ था किलो ओहम में, किलो ओहम नहीं चलेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा कैमे ओहम के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। दूसरी बात, आप कभी डेसिमल पॉइंट वाले नंबर ऑप्टेन नहीं कर सकते, आपको प्योर नंबर मिलेगा, इसलिए आपने 35 लिख लिया 10 पावर माइनस 1 और किलो को लिख लिया 10 पावर 3, मतलब ये बन गया 35 इंटू 10 पावर 2 ओहम प्लस माइनस 5%। अब मैं पीछे से चलता हूँ, प्लस माइनस 5% मतलब गोल्ड, 10 पावर 2 मतलब रेड, सो आंसर रेडी है,
आंसर तो यार ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट वन, लेकिन फिर भी हम आगे बढ़ते हैं। थ्री मतलब कौन? थ्री मतलब ऑरेंज, इसलिए मैं यहाँ लिख लेता हूँ ऑरेंज। ऑरेंज के बाद फाइव, फाइव मतलब क्या? फाइव मतलब ग्रीन। तो ऑरेंज, ग्रीन, रेड और गोल्ड, ऑरेंज, ग्रीन, रेड और गोल्ड, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होना चाहिए। ओके okay?